अगर इस वीडियो को आज आप एंड तक देखते हो तो ये ब्यूटीफुल सा क्राफ्ट आप भी बहुत आसानी से बना सकते हो, वो भी सिर्फ पेपर की मदद से। सो गाइस, इसे बनाने के लिए आपको एक 30 सेंटीमीटर का सर्कल कट कर लेना होगा। उसके बाद जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमें मार्कर की मदद से एक और सर्कल ड्रॉ कर लेना है। और जो हमने ये कार्डबोर्ड कट किया है ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। उसके बाद हमें इसे कट कर लेना है और ब्लैक कलर कर देना है इस पर। उसके बाद हमें एक ब्लैक पेपर ले लेना है और आपको जिस तरह स्क्रीन पे दिख रहा होगा ठीक इसी तरह हमें इसे फोल्ड कर लेना है। और इसमें इस चीज का ध्यान ना कि इसमें पतला पेपर यूज करना है। सो गाइस, इसी तरह हमें 7 पीस बना लेना है और जो हमने पहले सर्कल कट करके उस पे ब्लैक पेंट किया था उसे ले लेना है और जो हमने अभी बनाया था उसे इसके ऊपर इस तरीके से चिपका देना है। तो जिस तरह आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इसके अकॉर्डिंगली ही आपको इसे चिपकाना होगा। उसके बाद हमें एक 4x6 सेंटीमीटर का ग्रीन पेपर ले लेना है और कैंची की मदद से ऊपर वाले हिस्से को इस तरीके से कट कर देना है। उसके बाद अभी हम जिस तरह पेपर को कट करने वाले हैं इसे बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से कट करने के बाद हमारे पत्ते बन जाएंगे। अब इसे और ब्यूटीफुल बनाने के लिए हमने इसमें मार्कर का यूज किया है। अब हमें एक 10x10 सेंटीमीटर का स्काई ब्लू कलर का पेपर ले लेना है और जिस तरह हम इसे फोल्ड कर रहे हैं ठीक इसी तरह आपको फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हम इसे कट करने वाले हैं तो इसे ध्यान से देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, जो हमने फूल कट किया था ना उसमें से एक पत्ते को कट करके निकालना है और बाकी हिस्सों को आपस में चिपका देना है। उसके बाद इसे और अच्छा दिखाने के लिए हमने इसमें फिर से मार्कर का यूज किया है, ठीक इसी तरह आपको भी कर लेना है और ऐसे ही आपको 12 पीस बनाने हैं। अब हमें एक 15x15 सेंटीमीटर का पिंक कलर का पेपर लेना है और पहले जैसे हमने किया था ठीक इसे भी इसी तरह करना है और इसमें थोड़े से चेंजेस है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब जैसे हमने पहले वाला फूल बनाया था ठीक इसी तरह ये भी बन गया है, बट इसमें चेंजेस क्या है, चेंजेस ये है कि आपको ना एक फूल बनाने के लिए आपको ऐसे 3 पत्ते कट करने हैं और उसमें से ना पहले वाले में से एक कट करना है, दूसरे वाले में से 2 पत्ते कट करना है और तीसरे वाले में से 3 कट करना है और उसको आपस में चिपका दोगे तो उसमें से एक फूल बन के रेडी होगा। अब हमें एक और 10x10 सेंटीमीटर का पेपर लेना है और आप चाहो तो कोई और कलर का पेपर भी यूज कर सकते हो और इसमें हमें तितली ड्रॉ करके कट करनी है। तो जब तक हम इसे ड्रॉ करके कट करते हैं, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा इसी तरह और वीडियो देखने के लिए। अब हमें इसे और ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम इसमें फिर से मार्कर का यूज करेंगे। गाइस, सिर्फ एक मार्कर यूज करने के बाद देखिए ये तितली कितनी अच्छी लग रही है। उसके बाद यार ऑलमोस्ट हमारी सारी चीजें बनके तैयार हो चुकी है। तो हमने जो पहले बनाया था उसके अंदर हमें सबको स्टिक करना यानी कि चिपकाना है, तो चलिए इसे हम फटाफट से चिपका लेते हैं। अब जो हमने पहले स्काई ब्लू कलर का फूल कट किया था उसे भी यहाँ पे चिपका लेना है, तो चलिए इसे भी हम फटाफट से चिपका लेते हैं।
अब हमें वो पत्ते भी चिपका देना है जो हमने पहले कट किए थे, तो चलिए इसे भी फटाफट से चिपका देते हैं। उसके बाद हमने तितली भी बनाई थी, तो चलिए इसे भी चिपका देते हैं। अब इसे थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए मेरे पास कुछ मोती पड़ी थी, तो मैं इसे चिपका रहा हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।